क्योंकि मेन है प्रैक्टिस पे ही है सारा सब कुछ, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना यस सर। ही बेनिफिट होगा आपके लिए। 31 हो गया कंप्लीट, यस सर। 32 में चले जाते हैं हम। सर 29 का ऑप्शन बी है ना? 29 का ऑप्शन है सी। सी। हाँ ओके सर। क्योंकि आइसो पेंटाइल है ना। अच्छा आइसो क्या, आइसो पेंटाइल, तो इसमें पेंटेन में क्या होगा, 5 कार्बन है, ये ऐसे बनेगा देखो। तो यस 4 के 4 तो सिंगल हो गए, ठीक है, ये सब प्राइमरी हो गए। 4 ये भी प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, क्योंकि तो एक ही कार्बन से अटैच है, तो यस सर। चारों के फोर चारों ये सर। प्राइमरी। यस सॉरी और ऑप्शन इसमें सी। एक 4 डिग्री का, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द यस राइट आंसर। और कोई इसके अलावा, 31 तक हो गया, अब सर। 32 चलते हैं क्वेश्चन पे। 32 में ये दिख रहा है आपको, मैं इसको लार्ज करूं साइज, सर दिख रहे हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से फंक्शन ग्रुप आएगा, 1 यस सर। 3 4 एंड 5, तो क्या होगा इसका नाम। टू से ब्यूटाइल 2 पे ये कौन क्यू सा ग्रुप लगा है, से इथाइल, हाँ, और 3 पे थ्री पे मिथाइल, मिथाइल पेंटेनल सर। ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब 33 का, 33 तो फिर वही आ गया, अभी हमने किया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। यस सर। अब ऑप्शन डी है थर्टी इसका। फोर हाँ 34 का करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर ही करेंगे ज्यादा। सर हो सकता है ऑप्शन वो चैप्टर थर्ड भी आए PT1 में। अच्छा चैप्टर 3 भी आएगा ना, अब तो सारे चैप्टर यस करेंगे। सर। ठीक, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, फिर हम उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे और इसके अलावा अब इसमें बताओ और कोई आंसर, क्वेश्चन सर। नंबर एक 34 का। सर एक CH3 OCH2। सर एक बार इसका स्ट्रक्चर बता देना, देखो इसमें क्या समझ होता है, में इसमें मेन चीज देखो कि एक ओ है, यहाँ पे भी एक ओ है, ठीक है, ये भी ओ नहीं। है, ये यस भी ओ है, तो इसको हटा दो पहले, ये ले आओ। कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन ये हो गए। अब इसमें क्या लगा यस हुआ है, सर। ये लगा हुआ है O C2H5, और इसमें भी क्या लगा हुआ है, OCCH3। अब बताओ इसका नाम क्या होगा। सर थ्री थॉक्स, वन इथॉक्सी, हाँ थ्री मिथॉक्सी प्रोपेन। ऑप्शन बी। हाँ कौन सा ऑप्शन होगा, बी हाँ बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी सही आंसर है इसमें। अब 35, रॉन्ग IUPAC कौन सा है, रॉन्ग, विच वन इज रॉन्ग। सर ऑप्शन ऑप्शन ए। नहीं, ए तो एस्टर है, ए है एस्टर, ए ओके इज सर। एस्टर। एस्टर में क्या होता है, जैसे ये 2 लिख लिया तो इसे कहते हैं इथाइल, इसके बाद फिर इसके लिए आता है सर ऑप्शन ओए, सी। तो ये 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोइड, ये सही वाला है। ओके सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहां से OH पहले आएगा, यस सर।
ठीक है यस सर। हाँ ये वाला। अब इसमें क्या है, थ्री मिथाइल होना चाहिए था, इसमें टू मिथाइल, टू ऑल होना चाहिए था, इसमें थ्री ऑल लिख लिया, तो ये रॉन्ग हो गया, थ्री वन इज द रॉन्ग आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 36, इसका बताओ क्या होगा नोमेनक्लेचर। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, इसमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस इसको डबल बॉन्ड प्रेफरेंस देंगे। एक चीज और है, देखो डबल बॉन्ड की क्या खास बात है, जैसे सपोज करो ये है ठीक है, और डबल बॉन्ड ये है, तो अगर आपने इसको वन माना है तो इसको टू मानना पड़ेगा आपको, फिर आप इधर को नंबरिंग नहीं कर सकते ठीक। अगर आपको इसको वन करोगे तो इसको टू ही मानना पड़ेगा आपको, आप इधर इधर की साइड नहीं जा सकते, तो ये डबल बॉन्ड के रूल है ओके सर। ठीक है। आप बताओ, और डबल बॉन्ड को प्रिफर करेंगे हम इसमें, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी टू ब्रोमो सिक्स क्लोरो हेक्सीन। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। टू कैसे आ गया बी आर, बताओ, बी आर तो टू आ ही नहीं सकता। अगर आपने यहां से नंबरिंग करी तो वन के बाद ये टू यहां जाएगा, अगर आपने यहां से नंबरिंग करी तो ये वन के बाद टू आएगा, फिर ये थ्री आएगा। कौन सही नीचे नहीं आएगा सर, नंबरिंग क्लॉकवाइज नहीं होगी। देखो, नंबरिंग का मैंने अभी आपको रूल बता दिया कि ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में अगर आपने एक साइड को वन माना है इसको, तो इसको टू मानना ही पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं होता इसका। और अगर आपने ओके इसको सर। वन माना है तो इसको टू मानना पड़ेगा। ओके अब बताओ, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि अब बी आर कौन सी जगह पे आ गया, थ्री पे, क्योंकि डबल बॉन्ड यस तो आप सर। काउंट करोगे तो यहां से होगा वन टू थ्री, थ्री ब्रोमो वन क्लोरो फिर साइक्लो हेक्सीन, साइक्लो में हेक्स और डबल बॉन्ड के लिए ईन, तो साइक्लो हेक्सीन यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब ऐसे 37 वाला क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, केवल यस स्ट्रक्चर yes, इसमें पे। लॉन्ग चेन लेंगे ओएच के साथ। हाँ, ब्यूटेन सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं, तभी डाइथाइल इथेनॉल। मैंने कहा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें लॉन्ग चेन, ये वाली लॉन्ग चेन ले लो, ओके सर। ओ एस तो यहां आ गया, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी। देखो ये क्या हो गया, चार कार्बन हो गए इसमें, वन टू थ्री फोर। अब इसमें ओ एच लगा हुआ है और इसके ऊपर लगा हुआ है सी टू सर एच। ऑप्शन ऑप्शन ए। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी मैंने भी मिस्टेक कर दिया, ये देखो तभी मैंने कहा ट्रिकी, ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, यानी पांच कार्बन आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और ये तीसरे नंबर वाले पे ओ एच भी लगा है, तीसरे नंबर पे सी एस सी लगा है, तभी काम ओके आया। सर। तो थ्री मिथाइल पेंटेन थ्री ऑल हाँ ऑप्शन ठीक सी। वाला सर, तभी मैंने कहा क्वेश्चन ट्रिकी है, और इसमें लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। अब हर कोई क्या करता है, इस ओ को मत देखो, ओ एच को, इस सी को देखो जिससे वो जुड़ा हुआ है, तो ये वाला और ये कंटिन्यूअस में है, तो इसीलिए ये वाला लेंगे हम। अब 38 क्वेश्चन का आंसर बताओ, 38, ये तो आसान सही है। फाइव क्लोरो सर ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए। नंबरिंग देखो कहाँ से स्टार्ट करी है आपने, लेफ्ट से या राइट से? हाँ सर राइट से डबल राइट, बॉन्ड से यहाँ से डबल बॉन्ड पास आएगा, तो 1 2 3 वन टू 4 5 एंड 6, तो क्या हो फाइव जाएगा, क्लोरो 5 क्लोरो फाइव है। मिथाइल नहीं मिथाइल तो है नहीं। हाँ नहीं सर ऑप्शन ए फाइव क्लोरो ऑप्शन हेक्सी हेक्स टू एन H2N, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यस सर। ऐसी 39 वाला। सर ऑप्शन ए ऑप्शन ए 39 में ऑप्शन ए है, 2 साइक्लो नहीं हेक्साइल ब्यूटेन, सर यस सर लेकिन इसने ये मिस्टेक कर दी, ये तो बेंजीन बना दिया इसने ना। जब हाँ यस भी सर ये रिंग होती है और रिंग के बीच में अगर ऐसे बना दिया इसने, तो इसे बेंजीन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन बना दी इसने, लेकिन है ये साइक्लोहेक्सेन ही है, नहीं नहीं सॉरी बेंजीन है ये, बेंजीन, तो ये हेक्सेन तो है नहीं क्योंकि ये बेंजीन बन गया है। ठीक, और जब बेंजीन यस को सर साइड चेन में लेते हैं तो हम इसे कहते हैं फिनाइल। अगर ये साइड चेन में आता है, जब इसको हम साइड चेन में लेंगे तो हम इसे कहते हैं फिनाइल। अब बताओ कौन सा आंसर होगा। सर ऑप्शन बी हाँ टू ऑप्शन बी, फिनाइल टू ब्यूटेन फिनाइल ब्यूटेन, क्योंकि जब भी 6 रिंग बनेगा और उसके बीच में ऐसा दिख जाएगा तो बेंजीन माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 40, सर ऑप्शन सी ऑप्शन सी। देखो सी NH2 के लिए क्या आता है पता आपको? सर एमिनो हाँ, लेकिन एमिनो तब आता है जब उस साइड चेन में होता है, जब मेन में होगा तो एमाइन, और उसे लास्ट में लिखते हैं। ओके सर तो सर ऑप्शन ए ऑप्शन ए नहीं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखो नंबर ही कहां से करेंगे, जहां से ये पास आएगा ऐसे। अब बताओ। हाँ सर ऑप्शन बी ऑप्शन बी, क्योंकि जब तक एक अकेला है ये, तो इसका मतलब ये डोमिनेंट है, ये सबसे लास्ट में आता है, लेकिन अगर अकेला है तो ये मेन चेन में माना जाएगा, तो इसे कहते हैं अमाइन लास्ट में। ठीक है, अमाइनो तब आता है जब इससे सीनियर ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, कोई और ग्रुप भी प्रेजेंट होगा तब इसे अमाइनो कहेंगे, अदरवाइज ये अमाइन में आएगा लास्ट में। ठीक है, और ये 41 क्वेश्चन, देखो इसमें ME आता है, ME का मतलब होता है मिथाइल, शॉर्ट में हम उसे ME कह देते हैं, मिथाइल, जैसे कहीं पे ET लिख देते, ET का मतलब होता है इथाइल। ठीक है, तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जनरली, शॉर्ट फॉर्म ET फॉर इथाइल, ME फॉर मिथाइल, तो इस तरीके से हम इसको लिखते चले जाते। अब इसमें से बताओ 41 का आंसर क्या होगा। इथाइल लिखा है पहले इसने, फिर 4 डाइमिथाइल एमिनो ब्यूटेनोइट, ओएट का मतलब समझ गए आप, ओएट का मतलब क्या है कि एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, सर एस्टर। यस सर
सर ऑप्शन बी ऑप्शन बी। ऑप्शन नहीं बी में देखो क्या होगा, ऑप्शन बी का देखो इथाइल, ईटी मतलब इथाइल, इथाइल पहले लिख दिया, देखो ईटी आ गया, ईटी आ गया। एस्टर होता है सी यस डबल बॉन्ड ओ ओ, उसके बाद ईटी का मतलब इथाइल, तो इथाइल चारों के पास है, यानी ये वाला पोर्शन तो सबके लिए कॉमन है, सेम है। अब देखो फोर, तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। अब फोर के बाद इसने क्या कहा है, डाई मिथाइल। अब तो ये फाइव भी तो जा रहा है मेन चेन में, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो मेन चेन यस में सर 5 कार्बन हो गए, ठीक है। और ये कह रहा है इसको ब्यूटेनोइड, तो ब्यूट तो है नहीं, तो ये वाला तो पहले कैंसिल हो गया। इसको देखो 1 2 3 4। अब थ्री में देखो, इसमें थ्री में दो मिथाइल ग्रुप लग गए, ठीक है, तो यस सर ये भी नहीं हो सकता, ये लास्ट वाला ऑप्शन है। 1 2 3 4। अब फोर में देखो दो मिथाइल लगे हुए हैं, तो टू मिथाइल अमीनो लग गए, देखो एमी का मतलब दो एमी, दो एमी का मतलब टू मिथाइल, तो टू मिथाइल का मतलब डाई मिथाइल हो गया, एन का मतलब एमाइनो ग्रुप हो गया, और फोर पोजिशन में हो गया, देखो 1 2 3 एंड 4, तो फोर डाई मिथाइल अमीनो, फिर 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एस्टर के लिए ओएट, तो ब्यूटेनोएट, यस सर तो फिर आज इतना तक ही करते हैं। अब इसके आगे आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, देखो मैं दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन है। अब लगभग आपको एक चैप्टर से 400-500 के आसपास क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ताकि उसकी हर एक चीज, और फिर उसको रिपीट करना है बार बार। ये मैंने आधे क्वेश्चन डाले अभी आपके पास, कितने हैं टोटल, अब आपको यहाँ से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने आप, ठीक है। ओके सर फिर हम कल डिस्कस करेंगे, जो नहीं आएगा जो चीज होगी, तो ऐसे हम पर डे का टारगेट बनाएंगे, कम से कम 40-50 क्वेश्चंस करने का पर डे का। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, चैप्टर पढ़ा आपने, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आया समझ में तो उसे दोबारा पूछना है, और वो क्वेश्चन आंसर से भी पता चल जाएगा हमें कि कौन से टॉपिक हमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो ओके सर मैं ऑफ कर देता हूँ, ओके थैंक यू सर। ठीक है, बाय।